कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? नमस्कार, कैसे हैं आप सब? कंपटीशन कम्युनिटी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सीजीपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए ये टॉप सीरीज की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के जनजाति का मेरा आज दूसरा वीडियो है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको सामान्य परिचय से अवगत करवाया था, आज उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, आज अपन छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति एवं जितनी भी अन्य जनजातियाँ हैं उस पर, उससे रिलेटेड अपने जितने भी हमारे एमसीक्यू है उस पर आज क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, पहला प्रश्न ये है छत्तीसगढ़ में, क्वेश्चन क्या बेटा, देखो ध्यान से देखना, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? जनसंख्या नहीं पूछा है, संख्या पूछा है, बेसिक तौर पे पूछा है। तो ठीक है, इस पर ना थोड़ा सा बात करते हैं, ये विशेष पिछड़ी जनजाति है क्या। ठीक है, यहां तक तो देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में ना टोटल 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती है, जिसका उल्लेख कहां पर है बेटा, तो याद रखना मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पे छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियों का क्या है, उल्लेख है, ये मैंने बताया था। अब ध्यान देना, जो ये हमारे पास जो 42 जनजाति है, ठीक है, इसमें से जो 5 जनजाति है उसको भारत सरकार ने क्या किया, याद रखिएगा, उसको केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब का दर्जा दिया है, उसको अपन पीवीटी कहते हैं, याद रखिएगा, विशेष पिछड़ी जनजाति को अपन क्या कहते हैं, पीवीटी कहते हैं। वही अगर बात करोगे जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, पीवीटी का दर्जा दिया है, इस बात को याद रखना है, बराबर यहां तक। देखो अगर देखा जाए जो हमारे पास विशेष पिछड़ी जनजाति की अगर बात करोगे, तो ध्यान रहे बेटा, जो हमारे पास विशेष पिछड़ी जनजाति, अगर इसका मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में कुछ बेसिक बता दूं, तो ध्यान देना, अगर देखा जाए इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, भारत में पंचवर्षीय योजना में आया है, याद रहेगा, पंचवर्षीय योजना में, योजना के दौरान इसका कॉन्सेप्ट आया था भारत में पहली बार। ठीक है यहां तक, और ध्यान रहे, जब पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ध्यान देना ये इसका जो जब कॉन्सेप्ट आया था ना, तो ध्यान देना भारत में टोटल 75 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया था, याद रहेगा, और 75 में से छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास 5 जनजाति है जिसको भारत सरकार ने क्या किया है, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है, याद रहेगा। अब देखो वो जनजाति क्या, उससे पहले याद रखना हमारे पास क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, इसको भी देख लो। देखो किसी भी जनजाति को ना, किसी भी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए हमारे पास 4 अलग अलग कंडीशन है बेटा, याद रहेगा। देखो सबसे पहला कंडीशन ये है, उनकी जो जनसंख्या दर है, याद रहेगा, जो उनकी जनसंख्या दर है अगर निगेटिव हो, माइनस हो, आया समझ में, अगर उनकी जनसंख्या बढ़ने के मुकाबले कम हो, तो याद रखना एक बेस होता है उसको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने के लिए। ठीक है यहां तक। दूसरा बात करते हैं साक्षरता, उदाहरण साक्षरता अगर देखा जाए या तो 2% हो या फिर इससे कम हो, याद रहेगा, अगर किसी भी जनजाति की जो साक्षरता दर है 2% हो या फिर 2% से कम हो, तो सरकार क्या कर सकता है, उस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे सकता है। ठीक है यहां तक। और तीसरा ध्यान देना, तीसरा का देखा जाए परंपरागत खेती करता हो, तीसरा उसका व्यवसाय क्या हो, खेती हो, लेकिन ध्यान देना खेती में आधुनिक तकनीक को नहीं अपनाया हो, परंपरागत कृषि कार्य करता हो। और चौथा अगर देखा जाए आदिम जीवन शैली, ठीक है, चौथा हमारे पास क्या है, आदिम जीवन शैली, इसका मतलब होता है कि ध्यान रखना अगर उनकी जो जीवन शैली है जंगली है, वो उनका जो जीवन यापन है पूरा का पूरा अगर जंगल पर निर्भर करता है, याद रहेगा, तो उसको बन गएंगे आदिम जीवन शैली। तो कहने का मतलब ये है
कि विशेष पिछड़ी जनजाति का कॉन्सेप्ट पांचवी पंचवर्षीय योजना में आया है। टोटल 75 में से छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा किसे दिया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया। आने वाले समय में बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो 7 जनजाति है जिसमें से 5 को भारत सरकार ने और 2 को राज्य सरकार ने क्या किया विशेष पिछड़ी का दर्जा दिया है उनके नाम क्या क्या है बराबर याद है वो आने वाले प्रश्नों के साथ बताऊंगा। चलो अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। प्रश्न क्या था एक बार देख लो अच्छे से। प्रश्न क्या है तो याद रखिएगा, प्रश्न आपके सामने है कि छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है। तो याद रखना ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, देखो 6 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 10। उत्तर क्या मिलेगा 5। देखो यहाँ पे 7 नहीं है भी, याद रखना 5 मतलब भारत सरकार ने अर्थात महामहिम राष्ट्रपति जी ने क्या किया है 5 जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और 2 की अगर बात करूं उसको राज्य सरकार ने दिया है। लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा 5, ऑप्शन बी सही होगा, याद रहेगा। ठीक है भाई प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है आशा करता हूं मैंने अभी जो बताया है विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारे पास है छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित है, याद रहेगा प्रश्न क्या, प्रश्न नंबर 2 ही है कि छत्तीसगढ़ की अत्यधिक विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सा या फिर निम्नलिखित है। ठीक है अभी मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ राज्य जो हमारे पास है ना छत्तीसगढ़ में टोटल 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है याद रहेगा, जिसमें से जो भारत सरकार है जो केंद्र सरकार है उसने 5 जनजातियों को और ध्यान देना जो हमारे पास राज्य सरकार है राज्य सरकार ने क्या किया है तो ध्यान देना 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है याद रहेगा यहां तक। अब देखो भारत सरकार ने आपने क्या बोला कि भाई भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ की 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है तो ध्यान देना उसमें से पहला जो हमारे पास जनजाति है वो हमारे पास कौन से अबूझमाड़िया, देखो पढ़ना अच्छे से उसके बाद क्वेश्चन बनाना है भाई। पहला हमारे पास कौन से अबूझमाड़िया है, दूसरा हमारे पास कौन सा तो ध्यान देना बैगा है, तीसरा हमारे पास कौन है तो याद रखना कमार है, चौथा हमारे पास कौन है तो क्या याद रखोगे पहाड़ी कोरवा है ठीक है और पांचवा हमारे पास कौन है तो याद बताओगे बिरहोर है। तो ध्यान ये 5 ऐसी छत्तीसगढ़ की जनजाति है जिसको भारत सरकार ने क्या किया है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। राज्य सरकार की अगर बात करें तो ध्यान देना सबसे पहला आपको मिलेगा भुंजिया ठीक है और दूसरा आपको मिलेगा पंडो या पंडो। ध्यान रहे ये जो 2 जनजाति इसको राज्य सरकार अर्थात राज्यपाल जी ने क्या किया है विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है याद रहेगा यहां तक। अब देखो ध्यान से भारत सरकार ने इन 5 को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जैसे जो हमारे पास अबूझमाड़िया है, अबूझमाड़िया जो है वो नारायणपुर में बीजापुर में निवास करती है याद रखना बेटा। बैगा जो है ज्यादातर इनका निवास क्या माइकल पर्वत है, कमरदा है, बिलासपुर है, जीपीएम है यहां पर निवास करेगा। उसके साथ साथ कमार जनजाति जो है वो गरियाबंद और धमतरी में निवास करता है, पहाड़ी कोरबा जनजाति सरगुजा और कोरबा में निवास करता है, बिरहोर जनजाति है वो जसपुर में निवास करता है ठीक है यहां तक। राज्य सरकार ने ठीक है यहां तक इसको याद रखना राज्य सरकार ने क्या किया है तो ध्यान रखना जो हमारे पास राज्य सरकार है राज्य सरकार ने 2 को क्या किया था विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया हुआ था क्लियर है यहां तक। चलो अब आते हैं अपन अब सीधा पॉइंट पे आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखना ध्यान से, छत्तीसगढ़ की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां निम्नलिखित है। देखो पहला हमारे पास कमार ऑप्शन में है ठीक है, पहाड़ी कोरवा है कि नहीं ये भी है, भतरा है क्या नहीं है, बैगा है क्या है बिल्कुल है। तो उत्तर में क्या मिलेगा बेटा आ सही है, व सही है और द सही, अबदा कहीं पे है क्या, अबदा है बिल्कुल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सी, इसका उत्तर क्या मिलेगा तो क्या बताओगे बेटा सी याद रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है विशेष पिछड़ी जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, 2 प्रश्न हो गया ठीक है। अगर बेटा समझ में नहीं आ रहा कोई भी समस्या तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा कि आपने इसको गौर से देखा है समझने की कोशिश की, अगर थोड़ा बहुत भी एक कनिक भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा ठीक है। और चाहे तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर भी कर सकते हैं ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं भाई, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। देखो मैंने आपको बोला था कि छत्तीसगढ़ राज्य में अगर देखा जाए 7 विशेष पिछड़ी जनजाति है, इसमें से केंद्र की अगर बात करोगे केंद्र सरकार ने 5 जनजातियों को और राज्य जो हमारे पास सरकार है उसने क्या किया है 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है ठीक है यहां तक। लेकिन प्रश्न के अनुसार अगर देखा जाए ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन है बेटा अबूझमाड़िया है, कमार, बैगा और पहाड़ी कोरबा, इन चारों को भारत सरकार ने क्या किया विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया। प्रश्न ये है इन 4 में से किनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, याद रहेगा प्रश्न क्या है इन 4 में से किनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो ध्यान देना इसका उत्तर आपको मिलेगा बेटा बैगा, क्या मिलेगा बैगा। और सबसे कम किसका है तो याद रखना बिरहोर का। विशेष पिछड़ी जनजाति में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन
इसका है बैगा का, विशेष पिछड़ी जनजातियों में। और मिनिमम जो हमारे पास है वो आपको याद करने क्या है, तो ध्यान देना बेटा बिरहोर, क्या है बिरहोर, ठीक है यहां तक क्लियर है, ठीक है भाई। तो एक छोटा सा प्रश्न आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ी में है, छत्तीसगढ़ी में होर होर का मतलब क्या होता है बेटा, कमेंट करके बताइए, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। एक बार और सुन लो, होर होर, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में, ठीक है यहां तक। मैं ऐसे बीच में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछते जाऊंगा, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है बेटा। एक बार और बोलता हूं, होर होर का मतलब क्या होता है, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला एक प्रश्न लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है। याद रहेगा ये जो दरहा परंपरा है, याद रहेगा बेटा, ध्यान देना, दरहा परंपरा जो है अगर देखा जाए इसका प्रश्न, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या है, पंडो, ठीक है, मुंडा, कोरवा और खरिया, याद रहेगा यहां तक। तो ध्यान, जो हमारे पास दरहा परंपरा है बेटा, याद रखना इसका प्रश्न ना छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, एग्जाम में आता भी है, आया भी है, ध्यान देना। अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछे कि छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में दरहा परंपरा का पालन किया जाता है, तो याद रखना इसका उत्तर क्या मिलेगा, पहाड़ी कोरवा है, ऑप्शन में पहाड़ी कोरवा बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही होगा, बाकी ये और ये क्या है, गलत है, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना प्रश्न नंबर चार क्या है, दरहा परंपरा, दरहा परंपरा का पालन किस जनजाति में होता है, तो क्या बताओगे, पहाड़ी कोरवा, ठीक है यहां तक। आगे याद रहे, जो दरहा परंपरा है ना इसका प्रचलन ज्यादातर विवाह कार्यक्रम में होता है, विवाह के अवसर पर होता है, ठीक है यहां तक। आगे बढ़ते हैं, छोटा सा प्रश्न था ये, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में, जनजाति में घर में सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं, आया समझ में। देखो प्रश्न ये है, वह कौन सी जनजाति है जब घर में किसी सदस्य की मृत्यु होती है, याद रहेगा, तो लोग याद रखना उस घर का त्याग करके नवीन घर बना लेते हैं, बराबर यहां तक। तो ध्यान देना इस प्रथा का प्रचलन ज्यादातर आपको गरियाबंद और धमतरी जिले में मिलेगा। ये जो प्रथा आपने देखा है ना कि भाई अगर पर्टिकुलर किसी घर में किसी सदस्य का डेथ हो जाता है तो क्या करते हैं, घर का त्याग कर देते हैं और नवीन घर, नवीन झोपड़ी बना देते हैं। ये ज्यादातर ना आपको धमतरी और गरियाबंद इलाके में मिलेगा। और ध्यान जनजातीय, अगर मैं पूछूं तो प्लीज कमेंट करके बता दो, मैंने आपको हिंट दिया है कि भाई गरियाबंद और धमतरी में इस प्रकार की प्रथा का प्रचलन है, तो आप लोग मेरे को बताइए कि भाई कहां पर या फिर किस जनजातियों में इस प्रथा का प्रचलन होगा, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो ध्यान देना इसका उत्तर आपको मिलेगा कमार, आया समझ में आ तक। ये जो कमार जनजाति है बेटा याद रखना एक ऐसी जनजाति है जो अपने कंधे पे बांस का बना धनुष धारण करती है। कमार जनजाति बांस से जुड़ा व्यवसाय कार्य करती है, याद रहेगा। कमार जनजाति याद रखना, अगर इनके घर में किसी सदस्य का डेथ हो जाता है तो इन लोग उस घर का त्याग करके नवीन घर बनाते हैं। एक और याद रखना, जो कमार जनजाति है उसके बारे में एक पॉइंट बता दूं, ये लोहे पूजा को, अगर इन लोग लोहे की पूजा करते हैं ना, उसको दुर्गा माता की पूजा मानते हैं, नवरात्रि चल रही है तो ध्यान दे रहा है, नवरात्रि अगर देखा जाए, देखो मतलब नवरात्रि से रिलेट मत कर, बस इतना बताना चाहता हूं, ये जो कमार जनजाति है ना, अगर इन लोग लोहा की पूजा करते हैं तो लोहा की पूजा इक्वल टू दुर्गा माता की पूजा, ऐसा इन लोग मानते हैं, आया समझ में आ तक, इस बात को याद रखना भाई, ठीक है। थोड़ा सा भी डाउट होकर बेटा कमेंट करके बताना है आपको, क्लियर है। तो याद रखिएगा ये हमारे पास क्या है, कमार जनजाति से जुड़ा हुआ फैक्ट, बराबर यहां तक, इस बात को ध्यान देना। मैंने अभी भी बोला है कमार जनजाति कहां रहती है, गरियाबंद में और धमतरी में, इनका संकेंद्रण ज्यादा मिलेगा, आया समझ में। और ये भी बताया कि कमार जनजाति बांस से जुड़ा व्यवसाय करती है, कंधा पर क्या करता है, याद है कंधा पर हमेशा धनुष पकड़ के रखता है, ये भी याद रखना। और नया घर कब बनाता है, नया घर याद रखना ये पुराने घर का त्याग जब सदस्य की मृत्यु हो जाती है, ठीक है यहां तक। ये भी बताया कि लोहा पूजा को लोग क्या मानते हैं, ध्यान दर लोहा पूजा को दुर्गा पूजा मानते हैं। और याद रखना बेटा ये जो कमार जनजाति है ना, इन लोग अगर देखा जाए ना, इन लोग दूसरे जाति के लोगों से ना अपने सिर का बाल नहीं कटवाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है, किसके बारे में, कमार के बारे में, ठीक है। तो कुछ कुछ फैक्ट है, मैंने अभी बोला है ये जो क्लास है विशेष पिछड़ी जनजाति और अन्य जनजाति से जितने भी महत्वपूर्ण MCQ है उससे रिलेटेड है, ठीक है, देखना अच्छे से। अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है कि भाई छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्टतः असुरक्षित जनजाति समूह है। तो ध्यान देना यहाँ पे प्रश्न है असुरक्षित जनजाति समूह, इसका मतलब है वो आपको PVT के बारे में पूछ रहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में पूछ रहा है, याद रहेगा किसके बारे में पूछ रहा है, PVT के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहां तक आप देखते हैं ऑप्शन में क्या है, गोड़ है, दूसरा हमारे गोड़ है क्या विशेष पिछड़ी जनजाति, नहीं, दूसरा क्या है हलवा, ये भी नहीं है,
तीसरे में क्या है अबूझमाड़, ये है, और चौथे में क्या है उरांव, ये भी नहीं, इसलिए आपको उत्तर क्या मिलेगा सी। याद रखा प्रश्न नंबर 6 क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति सबसे अधिक विशिष्टतः या विशेष असुरक्षित जनजाति से, उत्तर क्या मिलेगा बेटा आपको अबूझमाड़िया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी। अभी मैंने नाम बताया था ना जी, अबूझमाड़िया है, बैगा है, कमार है, पहाड़ी कोरवा है और बिरहोर है। इन पांचों को क्या किया, भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। बाकी दो भुंजिया और जो हमारे पास पंडोस को क्या किया, राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। याद रहेगा यहां तक, इस बात को ध्यान देना। अगला चलते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास है, निम्न में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है। याद रहे प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अलग से शामिल किया है किसमें, तो क्या बताओगे विशेष पिछड़ी जनजाति में, विशेष पिछड़ी जनजाति था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब में। तो मैंने क्या बोला था, पहला क्या होगा, पहला तो पंडो होगा, और पंडो कहाँ रहता है, सूरजपुर में रहता है, इसको याद रखना। और दूसरा हमारे पास कौन सा, तो क्या बताओगे भुंजिया, भुंजिया कहाँ रहता है बेटा, तो याद रखना जो हमारे पास भुंजिया है वो गरियाबंद जिले में रहता है, किस जिले में रहता है, गरियाबंद, ठीक है, इनमें से देख लो। लेकिन ध्यान रखना प्रश्न पूछा है वह कौन सी जनजाति है जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार ने शामिल किया है। तो देखो भुंजिया है ऑप्शन में, ठीक है, ये सही है। बिरहोर है क्या, नहीं, सॉरी, योगा है क्या, नहीं, अबूझमाड़िया है क्या, नहीं। तो ध्यान रहे इसका उत्तर क्या होगा, ए। सातवें का उत्तर क्या होगा बेटा, तो याद रख सेवंथ का उत्तर जो है वो आपको मिलेगा ए, क्या मिलेगा ए, ठीक है, आता क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। अगर बेटा किसी भी बच्चे कुछ भी समस्या है तो प्लीज बताइएगा, अपन आगे उस पर बात करेंगे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न लेते हैं, भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या है। देखो भाई याद रहेगा, सबसे पहले ना लाल बंगला, लाल बंगला का प्रचलन अगर देखा जाए भुंजिया जनजाति में है, कहां पर आया था, ज्यादा से ज्यादा गरियाबंद और धमतरी एरिया में। याद रखना इन लोग क्या करते हैं, इनका जो हमारे पास किचन होता है, याद रहेगा बेटा इनका जो हमारे पास क्या होता है, किचन होता है, ठीक है ना, इन लोग क्या करते हैं किचन को, इनका जो हमारे पास क्या है, किचन है, ठीक है, किचन को क्या करते हैं इन लोग, लाल रंग में ना पुताई करके रखते हैं, लाल रंग में क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, पुताई करके रखते हैं, ठीक है ना। तो इसी के लोग क्या करते हैं, बंगला का नाम देते हैं लाल बंगला कहते हैं। याद रहेगा, देखते हैं ऑप्शन में प्रश्न क्या है, भुंजिया जनजाति का लाल बंगला क्या है, डाकघर है क्या, नहीं, शयन कक्ष है क्या, नहीं, मेहमान घर है क्या, नहीं। तो उत्तर में क्या हो जाएगा, रसोई घर, क्या मिलेगा, रसोई, रसोई के लिए घर, बराबर याद था क्वेश्चन नंबर 8, बराबर याद था क्या बोला मैंने। तो ध्यान देना लाल बंगला का मतलब क्या होगा, रसोई घर, किचन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, क्लियर है, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, अगला हमारे पास है, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है। याद रखना सफेद साड़ी तो पहनना है, लेकिन विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है, याद रखना। अगर देखा जाए सफेद साड़ी का प्रचलन कहाँ का है, तो आप एक पढ़ते हो प्रदेश की जो सतनामी जाति के जो लोग हैं, जब वो पंथी डांस करते हैं, याद रहेगा, जब पंथी डांस करते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं बेटा, सफेद कपड़ा पहनते हैं। अगर महिलाएं करती है तो महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है, पुरुष वर्ग भी क्या करता है, ज्यादातर अगर वो जो भी पोशाक पहनते हैं, जो भी उनकी वेशभूषा होती है, वो ज्यादातर क्या होता है, सफेद कपड़े से ही, सफेद कपड़े का ही होता है, बराबर यहां तक। और साथ ही साथ पंथी डांस में बेटा मांदर और झांझ का क्या होता है, प्रचलन होता है। सेम चीज ना छत्तीसगढ़ में हमारे पास एक जनजाति, उस जनजाति का नाम है परजा या फिर धुरवा। ये लोग परब डांस करते हैं, परब डांस में भी पिरामिड बनाते हैं, और जितने भी कलाकार होते हैं वो सब के सब सफेद कपड़ा धारण करते हैं, सफेद पोशाक पहनते हैं। इसमें आते हैं वह कौन सी जनजाति है जो सफेद साड़ी पहनती है और विवाहित है। उदाहरण में बेटा इसका उत्तर मिलेगा भुंजिया, ये आपको गरियाबंद और ना धमतरी क्षेत्र मिलेगा, भुंजिया जनजाति, जहां की विवाहित महिलाएं क्या करती है बेटा, सफेद कपड़ा, सफेद साड़ी धारण करती है, इसको आपको याद रखना है, क्लियर हो यहां तक। ये हमारे पास था किसके, भुंजिया से संबंधित फैक्ट, ठीक है, अभी बताया था। रसोई घर को क्या बोलते हैं बेटा, कमेंट करके बताओ, लाल बंगला बोलते हैं, याद रहेगा। और महिलाएं क्या पहनती है, क्या बताओगे, सफेद साड़ी पहनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, जनसंख्यात्मक आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। याद रखना प्रश्न पूछा है, प्रश्न क्या पूछा है कि जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ध्यान देखा जाए छत्तीसगढ़ राज्य में जो शेड्यूल ट्राइब है ना, ठीक है, इनकी जनसंख्या 78,22,902 है। ये छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30.62% है,
छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितना परसेंट? 30.62% है। अगर जनसंख्या के आधार पर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और सॉरी जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और सबसे कम किसका है, तो ध्यान रहे बेटा मैक्सिमम आपको मिलेगा किसका, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ की गोड़ आदिवासी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और सबसे कम अगर देखा जाए आपको क्या मिलेगा, सौरा मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सौरा। बराबर याद था, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं एक बार, ऑप्शन में कुछ है क्या तो देख लो भाई, आप लोग खुद देखो अच्छे से। अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, उत्तर क्या देखो, बैगा है क्या? नहीं। बिरहोर है क्या? नहीं। गोड़ है क्या? बिल्कुल। कोल है क्या? नहीं। इसे उत्तर में क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी है। दर्शक उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी है बेटा, याद रहेगा ना, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं? 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस में चलते हैं? अपन 11 में चलते हैं। बराबर यहां तक, ठीक है। अब ध्यान देना, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, जो हमारे पास 11 है, 11 की अच्छे से रीड करो बेटा। मैंने हमेशा बोला है क्वेश्चन को क्या करना है, हमेशा रीड करना है अच्छे से, ठीक है। यहां तक अच्छे से देख लो। देखो, इस राज्य की प्रमुख जनजाति गोड की निम्नलिखित उपजातियां हैं, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। यहां पर पूछा है ही, जो हमारे पास गोड़ जनजाति की उपजातियां, उप जनजातियां, तो ध्यान रहा मैंने बताया था कि जो हमारे पास गोड़ है इसकी छत्तीसगढ़ में लगभग 41 उपजातियां हैं, ठीक है। जो हमारे पास गोड़ है ना, गोड़ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, इसकी टोटल अगर देखा जाए 41 उपजातियां हैं, ठीक है। कम से कम 10 तो बेटा मुखाग्र होना चाहिए, ठीक है, तो कि सीधा सीधा एग्जाम में आता, मेंस में भी लिखने के लिए आ जाता है कि जो हमारे पास गोड़ आदिवासी है इसकी उपजातियों के नाम बताइए करके। बराबर याद तक, ठीक है। अब देखो अगर देखा जाए, हलवा नहीं है भाई, हलवा जो है याद रखना, हलवा हमारे पास ये आर्य भाषा परिवार की जनजाति है। दूसरा दोरला बिल्कुल है, माड़िया भी है, और क्या है? मुड़िया। तो जाना ऑप्शन में तीन चार है क्या? सॉरी, ऑप्शन में दो तीन चार है क्या? बिल्कुल है। इसे उत्तर में क्या मिलेगा आपको? डी मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? डी, याद रहेगा। ग्यारहवें का उत्तर क्या मिलेगा आपको, तो क्या बताओगे? डी है। आया समझ में आता है, इस बात को याद रखो। तो ध्यान देना, गोड़ की मैंने बताया कितनी उपजातियां बेटा, 41 उपजातियां हैं। जैसे कोइकपाल भी हो गया, धुरवा या परजा हो गया, अबुज माड़िया हो गया, ये सब क्या है? गोड़ की उपजाति हैं, इनको आपको याद रखना है भाई। बराबर यहां तक क्लियर है, इस बात को आपको याद रखना है, क्लियर है यहां तक? अच्छे से देखो, ये हमारे पास क्या है, गोड़ के क्वेश्चन नंबर 11 था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं? 12 लेते हैं बेटा, एक सेकंड, ठीक है, यहां तक देख लो अच्छे से। प्रश्न पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो अच्छे से पढ़िए भाई, एकदम शांति से पढ़िए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से हनाल गट्टा, जिसको अपन स्मृति स्तंभ, कौन सी अनुसूचित जनजाति बनाते हैं? बराबर, हनाल गट्टा वही स्मृति स्तंभ, अगर मृतक स्तंभ की अगर बात करें, बराबर यहां तक, ठीक है। तो देख लो अच्छे से, ध्यान में बैठे, जो स्मृति स्तंभ है ना, ये अपने आप में क्या, मृतक स्तंभ है, मृतक स्तंभ है। ये या तो लकड़ी का बना रहता है या फिर कंक्रीट का बना रहता है, ठीक है। मृतक स्तंभ का उपयोग ना छत्तीसगढ़ में मुरिया आदिवासी, माड़िया आदिवासी, अभूज माड़िया आदिवासी, ठीक है, इन लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, इस बात को ध्यान देना, साथ ही साथ गुड़ आदिवासी के लोग, ठीक है। ज्यादातर मृतक स्तंभ का उपयोग उसके लिए करते हैं जो यंग पर्सन हो, जो युवा सदस्य है ना, इसके लिए लोग क्या करते हैं, मृतक स्तंभ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुरिया हो गया, माड़िया हो गया, अबुज माड़िया होगा, गोड़ आदिवासी लोग क्या करते हैं, मुरिया मृतक स्तंभ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। बराबर यहां तक क्लियर है, इस बात को ध्यान रखना। अब मैं जो माड़िया आदिवासी लोग ना, इसी को क्या कहते हैं, हनाल गट्टा कहते हैं। ऑप्शन में है क्या माड़िया? देखो ऑप्शन में माड़िया है, तो याद रखने से उत्तर क्या मिलेगा आपको? डी मिलेगा भाई, देख लो अच्छे से, कोई डाउट है कि नहीं? बराबर यहां तक ठीक है, याद रहेगा। तो ध्यान दर, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा, कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हमारे पास माड़िया जनजाति, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ध्यान देना, जो हमारे पास माड़िया जनजाति द्वारा वेंडु कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, याद रहेगा, वेंडु कुर्मा। देखो बेटा, कुर्मा, कुर्मा का मतलब होता है कुरिया, गोड़ी शब्द है। कुर्मा का मतलब क्या होता है? कुरिया। कुरिया का मतलब क्या हो जाएगा? रूम। बराबर याद तक,
कुरियर का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे आप लोग? रूम मिल जाएगा, बराबर। यहां तक इस बात को याद रखना है, समझ में आया तक ना? ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे कुरिया वस्त्र होगा क्या? नहीं। आभूषण होगा क्या? नहीं। भोजन होगा तो नहीं। तो वो कुर्मा का मतलब क्या होता है? कुरिया होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ऑप्शन क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे? ए ही होना चाहिए, हाँ कि नहीं? तो ध्यान देना, माड़िया आदिवासी माड़िया जनजाति द्वारा वेंडु कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? तो क्या बताओगे? मकान के लिए होता है। किसके लिए होता है? मकान के लिए होता है बेटा, बराबर। यहाँ तक इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या हो गया? 13 हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये दोरला जनजाति पहले या पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? क्वेश्चन नंबर क्या हमारा इतना क्लियर हुआ? दोरला जनजाति पहले, जो हमारे पास दोरला आदिवासी है, पहले पहले किस नाम से जानी जाती थी, बराबर। यहां तक ठीक है, यहां तक इतना याद रखिएगा। जो हमारे पास दोरला आदिवासी, याद रखना, देखते हैं बेटा, माड़िया तो याद रखना गोड़ की उपजाति है, मुरिया भी गोड़ की उपजाति है, अबूज माड़िया भी गोड़ की उपजाति है, लेकिन दोरला भी ना गोड़ की उपजाति है। अगर देखा जाए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, इसका पुराना नाम जो हमारे पास दोरला आदिवासी, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखिए, हमारे पास दोरला आदिवासी, इसका प्राचीन नाम क्या बेटा? तो क्या बताओगे? कोया। क्या है हमारे पास? कोया है, बराबर। याद है, इस बात को याद रखना। इतना क्लियर हुआ? देखो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, बराबर। यहां तक देख लो अच्छे से, दोरला आदिवासी पहले किस नाम जानते थे? क्या बताओगे? कोया के नाम से। देखो बेटा, कोया मतलब याद रखना, यहाँ पे कोल मत बोलना, कोल अलग से है, कोया अलग है, कोल अलग है, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे पास दोरला आदिवासी, इनका निवास आपको मिलेगा सुकमा में मिलेगा, बस्तर में मिलेगा, बराबर यहां तक। और जो दोरला आदिवासी, याद रखिएगा, ये लोग क्या करते हैं? पैडुल डांस करते हैं। कौन सा डांस करते हैं? पैडुल। ये आपको याद रखना है, क्लियर है? ठीक है, आगे ध्यान देना। आगे अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करोगे तो धारणा, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में बारिश ना होने पर कप्पल पेंडुम अर्थात मेढकों का विवाह, सॉरी मेढकों का त्योहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है, बराबर। यहां तक देख लो अच्छे से, क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में बारिश नहीं होने पर कप्पल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्योहार, यहाँ पे मेढकों का अपन विवाह कराते हैं, और स्पेशली लोग कौन करते हैं? महिलाओं के द्वारा, बराबर। यहां तक समझ में आया जी? क्वेश्चन क्या है? बारिश नहीं होता, ये लोग क्या करते हैं? मेढकों का क्या मानते हैं? प्रकार से विवाह कराते हैं, उसी को कहते हैं मेढकों का त्योहार कहते हैं। याद रखना, ये कौन करता है? तो धारणा, ये जो हमारे पास है छत्तीसगढ़ की दोरला आदिवासी के लोग करते हैं, ये लोग क्या करते हैं? मेढक मेच का विवाह कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको अपन? मेच का विवाह कहते हैं। पॉइंट समझ में आया? इस बात को याद रखिएगा, क्लियर है? यहां तक देख लो अच्छे से, छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में बारिश नहीं होने पर कप्पल पेंडुम, और जो मेच का विवाह है, इसका दुर्लभ लोग नाम क्या देते हैं? याद रखना, कप्पल पेंडुम, ठीक है? कप्पल पेंडुम, बराबर। यहां तक इसको प्लीज पढ़िएगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है? यहां तक इसको याद रखिएगा, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन और लेते हैं। निम्नांकित में, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नांकित में चिवड़ा पोहा बनाने वाली यहूदी जनजाति कौन है? तो ध्यान रहे बेटा, देखो पोहा, पोहा की बात आ रही है, तो ध्यान रहे, हमारे पास एक जनजाति, उसका नाम है हलबा। जनजाति का नाम हमारे पास क्या है? हलबा। हलबा जनजाति क्या करती बेटा? हल चलाती है। हल चलाती है, इसका मतलब ध्यान, ये लोग कृषि कार्य करते हैं। कृषि कार्य करते, इसका मतलब ध्यान, इन लोग क्या है? आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली क्या है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आर्थिक रूप सबसे सशक्त जनजाति कौन है हमारे पास? तो हलबा लोग है। ये लोग ज्यादातर धान की खेती करते हैं, धान से क्या आया? चावल आया, और चावल से लोग क्या बनाते हैं? चिवड़ा बनाते हैं। याद रहेगा कौन लोग? हलवा लोग, बराबर। यहां तक देखो, ऑप्शन में क्या है? पाव जनजाति है क्या? नहीं। प्रधान जनजाति है क्या? नहीं। परजा जनजाति है क्या? नहीं। तो उत्तर में क्या मिलेगा आपको? हलवा। क्या मिलेगा आपको? हलवा, बराबर। यहां तक ध्यान देना, कौन सी जनजाति चिवड़ा बनाने का काम करती है? उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? हलवा। इतना क्लियर हुआ? इस बात को याद रखना है, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं बेटा? डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है? यहां पर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के बिंझवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है? ध्यान, जाति चिन्ह का मतलब याद है यहां पे, ये वो कौन सा प्रतीक चिन्ह यूज करते हैं बिंझवार जनजाति के लोग? देखो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे पास बिंझवार जनजाति है ना, ये लोग ज्यादातर बलौदाबाजार जिले में निवास करते हैं, और उससे जो बिंझवार जनजाति है उससे संबंधित एक पर्सनालिटी भी है, उनका नाम आपको पता होगा, शहीद वीर नारायण सिंह। वो बिंझवार जनजाति के थे स्वयं, उनका संबंध सोना खान से था।
तो ध्यान देना, जो बिंझवार जनजाति है ये किस प्रतीक का उपयोग करते हैं, तो याद रखना तीर का। किसका, तो क्या बताओगे बेटा, तीर का। ठीक है, इन लोगों में तीर विवाह का भी प्रचलन है, समझ में आया था, जिस बात को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 के बाद अगला अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, रुख करते हैं और देखते हैं अगरिया जनजाति का परंपरागत व्यवसाय। देखो भाई, जो हमारे पास अगरिया जनजाति का परंपरागत व्यवसाय पूछा है, देखो अगरिया, अगरिया के बाद क्या है, इसके पास क्या, तो क्या बताओगे, इसके पास आग है, मतलब आग, मतलब याद रखना आग का उपयोग कहां करेंगे लोग, भट्टी में करेंगे, भट्टी मतलब आग की भट्टी भाई, और दूसरा नहीं सोच रहा है आपको। ठीक है, यहां तक तो देखो, तो जो अगरिया जनजाति है अगर इसके पास आग है तो ये लोग क्या करते हैं, लोहे भी गला देते हैं, तो ज्यादातर क्या करेंगे, लौह शिल्प का काम करेंगे। तो देखो ऑप्शन में लौह शिल्प है क्या, नहीं, लकड़ी तो जल जाएगा, गोदना क्या अगर इंसान ही जल जाएगा, बांस भी जल जाएगा, बचा क्या, लौह शिल्प। ध्यान रहे बेटा, जो हमारे पास अगरिया जनजाति है इनका परंपरागत व्यवसाय क्या है, याद रहेगा लौह शिल्प। ये भी याद रखना, इन लोग सपोज किसी को कुछ बीमारी हो गया तो उस बीमारी का इलाज ना, याद रखना, लोहे को एक प्रकार से गर्म करके मतलब करते हैं, कौन हमारे पास अगरिया। दूसरा, विवाह के समय ध्यान रहे, हमारे पास अगरिया जनजाति है इन लोग उड़द दाल का उपयोग करते हैं। ठीक है बेटा, इसको प्लीज याद रखिएगा, क्लियर है अगरिया के बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। देखो प्रश्न आ भी गया, छत्तीसगढ़ के किस जनजातियों जनजाति के देवता का निवास धधकती भट्टी, धधकती भट्टी में माना जाता है। अभी मैंने बोला भट्टी मतलब क्या होगा, भट्टी में आग होगा, और आग किसके पास है, अगरिया के पास है। आग किसके पास है, क्या बताओगे, अगरिया जनजाति के पास। इसे उत्तर क्या मिलेगा आपको, बी। 19 उत्तर क्या मिलेगा बेटा, क्या बताओगे, बी, ना कि ए सी डी। क्लियर है यहां तक, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति कौरवों को अपना वंशज होने का दावा करती है। ठीक है, यहां तक तो ध्यान दें, इसका उत्तर क्या मिलेगा आपको, कंवर। कंवर लोग ज्यादातर सैनिक कार्य करते हैं, सेना में ज्यादातर शामिल होते हैं, कौन लोग, कंवर लोग। कंवर लोग का निवास है रायगढ़ में, जसपुर में, और याद रखना एक पर्सनालिटी उनका नाम है गहिरा गुरु, वो स्वयं क्या थे, कंवर जनजाति के थे। बराबर यहां तक, तो देखो आज का जो मेरा क्वेश्चन था, आज का जो हमारे पास एमसीक्यू था, वो याद रखना छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है उस पर बेस्ड था, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जितनी भी अन्य जो हमारे पास जनजाति है उस पर बेस्ड था। ठीक है, यहां तक ना, उनमें जो भी परंपराएं प्रचलित है ना, उन परंपरा से रिलेटेड मैंने अभी क्या लाया था, एमसीक्यू लाया था। इसके बाद जो आने वाला वीडियो रहेगा, याद रहेगा, वो जनजाति पे ही बेस्ड रहेगा, और उसमें जनजाति का पूरा जीवन है, आर्थिक जीवन बोलो, राजनीतिक जीवन बोलो, उनका कल्चर बोलो, उनका समाज बोलो, सब रहेगा। और उनके साथ साथ अपन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करने का प्रयास कल के वीडियो में अपन करेंगे। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में बेटा कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं।